आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई। ये हमारी पावर बीआई की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने पावर बीआई की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। अब पावर बीआई के हम आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे इस क्लासेस में। बस क्लास शुरू कर रहे हैं कुछ सेकेंड्स में। ओके सर, जो यूट्यूब पर हमारी इस वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी ऐप को डाउनलोड करें। मेरे ऐप के अंदर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है जो कि कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है। हर एक कोर्स की आपको कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मिलेंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ डाउनलोड करें। साथ में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है जहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले हमने अभी पावर बी आई खोला तो कुछ इस तरह का विंडो आपको दिख रहा है। इसको हम लोग वेलकम विंडो कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने लॉग इन नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन देगा। अगर आपने साइन इन किया हुआ है तो यहीं पे आप जो है इस तरह का देगा जहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे आपके। यस सर, वो शो हो रहा है मुझे। हाँ, ट्यूटोरियल होंगे। उसके बाद यहाँ व्हाट न्यू फॉरम पे चले जाएंगे, ब्लॉग्स पे जा सकते हैं, इसके ट्यूटोरियल पेज पे जा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, बहुत सारा ट्यूटोरियल मटेरियल प्रोवाइड करता है आपको पावर बी आई सीखने का। उसके अलावा यहाँ पे गेट डेटा और रिसेंटली जो आपने फाइल पे काम किए उसकी लिस्ट आपको दिखती है। तो फिलहाल मैं इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो विंडो आता है, इस विंडो को एक बार समझते हैं। राइट, ओके सर। ये जो विंडो दिख रहा है इसको हम लोग कैनवस एरिया कहते हैं, या हम इसको रिपोर्ट एरिया भी कह सकते हैं। ये आपका विजुलाइजेशन होता है, ये आपका फील्ड्स होते हैं, ये आपके फिल्टर्स होते हैं, ये आपका पेजेज होते हैं, ये आपके व्यू होते हैं, जिसमें आपका पहला रिपोर्ट व्यू, दूसरा डेटा व्यू, तीसरा आपका मॉडल व्यू होता है। ओके, तो जैसे कोई रिपोर्ट बनती है तो आपको यहाँ पे दिखता है। राइट, ओके। लेकिन सबसे पहले आपको कोई डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। जब तक डेटा इंसर्ट नहीं करते तब तक ये आपको दिख रहा है ना, चार ऑप्शन ये यहाँ से हटेंगे नहीं। ओके, जब मैं इस पर क्लिक करके किसी डेटा को ऐड कर लूंगा, यहाँ पे मैं टेबल वन को हमने यहाँ से लोड कर लिया, तो लोड करते ही यहाँ फील्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस डेटा में जितने भी देख, फील्ड एक्टिवेट हो गया। हाँ यस सर। अब यहाँ पे आपके डेटा के अंदर जितने भी फील्ड्स होंगे, फील्ड का लिस्ट यहाँ पे आएगा। राइट, ये हेडर हो गया सर, ये हमारे जो जो डेटा के जो हेडिंग होती है, हेडिंग यहाँ पे। जैसे पिवट टेबल कैसे आप लगाते हैं, हाँ, तो पिवट टेबल लगाते ही होता है, पिवट टेबल के जैसा ही है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम को क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैंने क्वांटिटी उठाया और ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे देखिए पिवट टेबल की तरह आपको रिपोर्ट बन गया है। ओके ओके, समझ गए। ओके, उसके बाद अगर आपको डेटा देखना है तो यहाँ टेबल पे जाके यहाँ आपके सारे डेटा दिखेंगे। Okay. और जैसे कि एक हम इसमें एक बार में एक डेटा नहीं, कई सारे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो जितने डेटा ऐड करेंगे उतने यहाँ पे इसके लिस्ट यहाँ पे दिखेंगे। और मॉडल में क्या होगा कि यहाँ पे डेटा भी दिखेगा जहाँ पे हम एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में रिलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद पेजेज, अब यहाँ पे जैसे आप एक्सेल में शीट्स बनाते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे आप पेजेज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डेटा है आपके पास, आपको आपको पांच डैशबोर्ड तैयार करना है, तो आपको पांच अलग अलग फाइलें तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक फाइल में आप पांच अलग अलग शीट तैयार कर। ओके ओके, एक फाइल में पांच अलग अलग शीट आप तैयार कर। क्लियर सर? हाँ डन सर। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, हर शीट का नाम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? Got it. अब यहाँ आगे जो बढ़ते हैं, यहाँ आपके फिल्टर्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने रिपोर्ट बनाया सिटी वाइज, राइट, और मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें नेम वाइज रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मुझे पटना का देखना है, तो मैं यहाँ से सिटी को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और इसमें हम सिर्फ पटना को सेलेक्ट कर लेंगे। अब मेरा रिपोर्ट पटना का ही पूरा आ रहा है।
कैसे किया सर? वो वहां से उठा के इसको डालनी है फिल्टर बस में। हाँ डाल देगा, यहाँ पे दिख रहा है ना ऐड फिल्ड या ऐड डेटा हाँ फिल्ड यस है, सर। बस सिंपल हाँ सा। जैसे पिवट यहाँ टेबल से में सिर्फ कैसे हमें है, आप तो तो यहाँ मतलब पे पीपट में जस... हाँ पे ड्रॉ कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिए अपना कॉन्फ्लू का ओके चाहिए, ओके सिर्फ चल कॉन्फ्लू का आएगा, ठीक है। चल ओके। और दूसरी चीज क्या होती है, विजुलाइजेशन होती है। जैसे मुझे चार्ट, मुझे डेटा, इसी डेटा को चार्ट्स में दिखाना है, राइट। तो मैं यहाँ से अपना चार्ट, जो चार्ट मुझे रिक्वायरमेंट है उस चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे इस चार्ट को रिक्वायरमेंट है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, चार्ट को अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। देखिए चार्ट पे आपको फिल डालना है, जैसे मुझे नेम वाइज क्वांटिटी चाहिए तो नेम को ड्रॉ कर दिया और हमने क्वांटिटी को ड्रॉप कर दिया, तो नेम वाइज क्वांटिटी वाइज हमारे पास डेटा आ गया। इसको अपने हिसाब से हम छोटा और अपने हिसाब से बड़ा, या फिर कहीं मूव करना इस साइड में रखना, कहीं मूव करना, कहीं भी इसको आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। और इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह, यहाँ फॉर्मेट का सिंबल, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके ओके सर। तो यहाँ से आप, अब जो भी विजुलाइजेशन चाहिए, अब एक साथ जैसे मैं एक ले लिया, मुझे एक और चाहिए, तो आप यहाँ पे एक और क्लिक कर लीजिए। मुझे मान लीजिए कि मुझे इसमें ये चाहिए, गैस चार्ट चाहिए, हमने गैस लिया और इस पे हमने इसको अलग के क्वांटिटी रख लिया, राइट। हमें मैप चार्ट चाहिए, हमने मैप लिया, सॉरी अभी देखिए गलती हो गई ना, इसको सिलेक्ट करके मैप पे क्लिक कर दिया तो मैप में कन्वर्ट हो गया। आपको अनसेलेक्ट करना है, देन आपको इस पे अपने विजुलाइजेशन पे क्लिक करना है, और मुझे सिटी वाइज हमने यहाँ पे रख दिया सिटी, सॉरी मैप चार्ट में मुझे यहाँ पे सिटी को उठाया और सिटी को रख दिया। देखिए जहाँ जहाँ सिटी है वहाँ वहाँ ड्रॉपलेट बन के आ गया, ठीक है, क्लियर है सर। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपका डेटा को कनेक्ट करना है, राइट सर। राइट सर। डेटा कनेक्ट होते ही, डेटा कैसे कनेक्ट करना है समझ में आ गया आपको? हाँ, वहाँ पे फाइल है उस पर जाके उसे क्लिक एक्सपोर्ट कर करना है, लेना है। हाँ टेबल सेलेक्ट करना है और आपको ले लेना है। उसके कैसे बाद हम डेटा सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपके लिस्ट आ जाएंगे और ये आपकी विजुलाइजेशन है। यहाँ से विजुलाइजेशन को चूज कीजिए और यहाँ से अपने फील्ड को उठा उठा के ड्रॉप कीजिए, आपका रिपोर्ट बनता चला जाएगा। ओके क्लियर है चलते। और ये फाइल है अभी यहाँ पे जिससे ये उठाया डेस्कटॉप से फाइल, उस फाइल में अगर मैं कोई चेंजेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस करेगा सर? नहीं, नहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट को यहाँ से आप पब्लिश कीजिए तो ऑनलाइन चला जाएगा, या इस फाइल को सेव कर लीजिए टेम्पलेट में, या फिर इसको सेव एक्सपोर्ट कर लीजिए पीडीएफ में, पीडीएफ है पीडीएफ में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जब पब्लिश करके इंटरनेट पे ले जाइएगा तो वेब कंसोल खोलने के बाद आप अपने रिपोर्ट को खोल सकते हैं। इसके हम आपको डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या है ना सर, कि जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले अवेयरनेस करने के लिए बोलता हूँ। हाँ सर, वो एक मेजर पॉइंट होता है। हाँ, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक के बारे में अपने आप को अवेयर करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, पावर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा दिया, लॉगिन इंस्टॉलिंग करा दी मैंने, हमने बताया डाटा कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे विजुलाइजेशन लेंगे और कैसे रिपोर्ट्स बनाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप एक डेटा लें और उसमें कम से कम 10 से 15 डिफरेंट टाइप्स के रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि आपको सही तरह से नहीं बनेगा, बट मैं बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि आपको हर फीचर्स के बारे में अवेयर होगा कि कौन सा फीचर कैसे वर्क करता है।